हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका पेपर अभी हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का, इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, आंसर की लेकर आया हूँ। तो आप लोग फटाफट अपने आंसर मिला लीजिए। आज की जो हमारी बुकलेट सीरीज है ये ए है, तो अपने आंसर मिला लीजिए। और कमेंट करने से पहले आप लोग आंसर पर रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि आंसर की लाने में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन 100% एकदम सटीक आंसर की है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इसमें गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत जो है वो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उपयुक्त सभी हैं। तो आप लोगों को बता दें कि जिन लोगों ने जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑल ऑफ अबव जो है सिलेक्ट किया होगा, उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगला प्रश्न है कि बायोगैस प्लांट के डाइजेस्टर की तली में जमा होने वाले ठोस पदार्थ को कहते हैं, तो इन्हें जो है स्लज कहा जाता है, इसको स्लज कहा जाता है। इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक ऊर्जा का स्रोत है, तो व्यावसायिक ऊर्जा का स्रोत जो है वो जीवाश्म ईंधन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और परमाणु शक्ति, ये सभी हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। तो अपने सेमेस्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराते हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षा में आते हैं। अगला प्रश्न है कि सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा प्रणाली की सीमाएँ हो सकती हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि प्रारंभिक कीमत अधिक, रात्रि में शक्ति देने के लिए स्टोरेज बैटरी की आवश्यकता और बदली मौसम में शक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती, इसमें जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि स्थिर डोम प्रकार के बायोगैस प्लांट की अपेक्षा घूमने वाले ड्रम के प्लांट को वरीयता देने का कारण है, तो इसमें भी जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर धुरी रोटर्स के प्रकार हैं, तो ये जो है विंड मिल्स के प्रकार हैं, इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है बायोमास ऊर्जा और ऑप्शन सी है हाइड्रो पावर ऊर्जा, ऑप्शन डी है जियोथर्मल ऊर्जा। तो ये सभी जो है रिन्यूएबल एनर्जी हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसमें जो है सही ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें ये हो सकता है कि आप चाहे जो ऑप्शन सिलेक्ट कर दें सभी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गैर नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसको जो है हिंदी में क्वेश्चन गलत है, इंग्लिश में अगर आप लोग पढ़ेंगे कि आइडेंटिफाई द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है गैर नवीकरणीय वो कौन सी है, तो इसमें जो है कोयला नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अधिकतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अविश्वसनीय आपूर्ति, क्योंकि जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसमें उच्च अपशिष्ट निपटान लागत वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो होती है पानी ऊर्जा और सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा, तो इन सभी को जो है डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उच्चतम चलने की लागत इसमें जो है अधिक लागत नहीं लगती है, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसमें जैसे कि कोयला है और पेट्रोलियम है, इनमें लागत अधिक लगती है, लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसमें अविश्वसनीय आपूर्ति, मतलब कि सूर्य की रोशनी पर्याप्त कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, वायु पर्याप्त चलती है या नहीं चलती है, तो इसमें जो है अविश्वसनीय आपूर्ति होगी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जब मृत पशुओं और पौधों को वायु की अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है तो इनसे उत्पन्न होने वाली गैस को कहते हैं, तो इन्हें जो है मीथेन कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि काले रंग से पुते पैनलों को छत से लटकाकर उनसे सूर्य से ताप और ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो इनमें जो है सौर हीटर होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जीवित वस्तुओं के स्रोत हैं, तो जीवित वस्तुओं के स्रोत जो है वो होते हैं बायोमास, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कोयला, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उदाहरण हैं, तो ये जो है सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है
कि पौधों से प्राप्त पदार्थ और जीवित वस्तुओं के व्यर्थ पदार्थों को पुनः निम्न रूप में उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें जो है बायोमास में उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तेल के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत हैं, तो इसमें जो है सभी होगा, उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्रव में से किसकी विस्कोसिटी जो है अधिकतम होती है, तो इसमें डीजल की होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि फ्यूल सेल से विद्युत उत्पन्न करने के लिए जलता है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना निर्भर करता है, तो ये जो है प्रकाश पर स्पेक्ट्रम इंसिडेंट और बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बायोगैस प्लांट में पदार्थ के सड़ने व गैस उत्पन्न होने की दर अधिकतम होती है जब स्लरी का तापमान, तो इसमें हो जाएगा 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बायोगैस प्लांट में बायोगैस उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसमें से उपरोक्त सभी हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बायोमास को ऊर्जा या बायोफ्यूल में बदलने की प्रयुक्त प्रक्रिया हो सकती है, तो इसमें जो है उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण नापने में प्रयुक्त उपकरण है, तो सौर विकिरण नापने में प्रयुक्त उपकरण पाइरोनोमीटर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक गाय द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न गोबर की औसत मात्रा होती है, तो ये 10 किलोग्राम होती है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो सकता है, 10 से 15 किलोग्राम। अगला प्रश्न है कि फोटोवोल्टाइक सेल बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है, तो इसमें जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थित है, तो ये जो है चाइना में स्थित है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चाइना में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कैम क्रोमेटोग्राफ एक उपकरण है जो कि नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है गैसों का संयोजन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ से नमी अलग करने के लिए सौर विकिरण में प्रयुक्त युक्ति है, तो इसमें जो है सोलर ड्रायर होगा, ऑप्शन जो है इसमें सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य प्रकाश का निम्न में बदलना ही फोटोवोल्टिक ऊर्जा है, तो फोटोवोल्टाइक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत के रूप में प्रयोग होता है, तो ये जो है इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी को जो है बदला जाता है नवीनीकरण स्रोत में। अगला प्रश्न है कि बायोगैस निम्न नामों में से जानी जाती है, तो बायोगैस को इन सभी नामों से जाना जाता है, इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि उचित मात्रा में गैस बनने के लिए डाइजेस्टर का पीएच मान होता है, तो डाइजेस्टर का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.8 से 7.2, तो इसमें जो है कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सांद्रित कलेक्टर का प्रयोग उच्च तापमान प्राप्त करने में होता है, तो इसमें जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक प्राप्त करने के लिए होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बायोगैस प्लांट के डाइजेस्टर चैम्बर में उपस्थित जीवाणु मरने लगते हैं जब चैम्बर का पीएच मान अधिक होता है, तो जो है जीवाणु उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 8 पीएच से अधिक। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन सेल में ऊर्जा बदलाव क्षमता होती है, तो इसमें जो है 20 से 25 के मध्य होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बायोगैस की ताप ऊर्जा का कैलोरी मान लगभग होता है, तो इसमें जो है 4200 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, 35 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए समुद्री वेव्स, ऑप्शन बी समुद्री टाइड्स, ऑप्शन सी समुद्री धाराएं, तो इसमें जो है ऑल ऑफ एबव होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का उपयोग निम्न के लिए हो सकता है, तो इसमें जो है उपरोक्त सभी होगा, इसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का उत्पादन कम हो जाता है जब तत्व अधिक सघनता में पाया जाता है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम और ऑप्शन सी है पोटेशियम, तो ये सभी जो है होंगे, ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बायोगैस प्लांट में आउटलेट पाइप से बहने वाले द्रव खाद को कहते हैं, तो इसे जो है स्लरी कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, बायोगैस प्लांट के डाइजेस्टर में उपस्थित द्रव स्लरी के ऊपर एकत्र वेस्ट पदार्थ को कहते हैं, तो इसे जो है इस्कम कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, ये झागदार पदार्थ होता है इस्कम। अगला प्रश्न है कि जैव उर्वरक के वाहकों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, तो इसमें जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि सोलर फोटो वोल्टाइक प्रणाली स्वतंत्र होती है, तो ये जो है ध्वनि से और प्रदूषण दोनों स्वतंत्र होती है। ऑप्शन ए और बी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि फ्यूल सेल होते हैं, तो ये जो है हाइड्रोजन सेल होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन में कार्बन के अतिरिक्त प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किन राज्यों के समुद्र तट के किनारे व पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः पवन मिल अधिक सफल है, तो ये जो है इन सभी राज्यों में के किनारे है, तो ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पवन मिल में किस प्रकार के पंप का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है तीनों प्रकार के पंप का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर की, कृषि कार्य हेतु पवन मिल चलाने के लिए न्यूनतम वायु चाल को लाभदायक मानते हैं, तो इसमें जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 36 धुरी वाले रोटर वाली पवन मिल में ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें जो है उपरोक्त सभी होगा, इसमें भी सभी होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गैर व्यावसायिक ऊर्जा है, तो ये भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी गैर व्यावसायिक ऊर्जा हैं। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस प्लांट के भाग होते हैं, तो ये सभी भाग जो है गोबर गैस प्लांट के होते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस प्लांट में गैस उत्पादन प्रक्रिया में शामिल है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के 6 स्रोत कौन से हैं, तो इसमें जो है ये दोनों ऊर्जा के 6 स्रोत हैं, इसमें जो है ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न है कि बछड़े प्रतिदिन लगभग गोबर देते हैं, तो ये 3 किलोग्राम देते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गैर क्षयी ऊर्जा स्रोत को नवीनीकृत किया जा सकता है, तो इसे जो है इन सभी विधियों द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस प्लांट में गैस उत्पादन प्रक्रिया बहुत अधिक धीमी पड़ जाती है जब स्लरी का तापमान नीचे हो जाता है, तो जब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाता है तो गोबर गैस में गैस उत्पादन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बायोगैस में पाई जाती है, तो बायोगैस में जो है ये दोनों गैस पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बायोमास से उत्पन्न गैस को कहते हैं, तो इसे जो है बायोगैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसके द्वारा विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती है, तो ये चंद्रमा द्वारा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी अपना आंसर एकदम करेक्ट आंसर की से मिला पाएं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो ये सभी जो हैं, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि फोटोवोल्टिक प्रणाली में शामिल है, तो फोटोवोल्टिक प्रणाली में जो है ये सभी होगा, इसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे आने वाले पेपर की वीडियोस आपको जल्दी ही मिल जाएंगी।